हमारा YouTube चैनल आशीष ईजी सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा यह वीडियो है, यह वीडियो रहने वाला है रेड एसेसरीज डेवलपमेंट का। ये जो फिल्टर है दोस्तों, जो कि किसी भी बाइक को रेसिंग बाइक की फील ला देगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो, हमारे पास एक स्प्लेंडर हीरो की बाइक है जिसमें आज हम फिल्टर मॉडिफाई करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हो, हमारे हाथ में जो एक फिल्टर है रेड कलर का, ये रेड एसेसरीज डेवलपमेंट कंपनी का है दोस्तों। अगर आप इसको मंगाना चाहते हो तो ये ऑनलाइन लगभग 200 रुपए के आसपास में मिल जाएगा आपको। तो इसको अपनी स्प्लेंडर बाइक में कैसे लगाते हैं, आज के इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं दोस्तों। तो फटाफट से ये वाला पैनल हम खोल लेते हैं और इसके बाद ये जो फिल्टर के ऊपर का कवर है इसको भी हम खोल लेंगे। और उसके बाद ये जो हमने फिल्टर ऑनलाइन मंगाए हैं इसको अपनी बाइक में लगा करके आपको चालू करके दिखाएंगे कि सही में इसकी जो आवाज है वो KTM बाइक की जैसे निकलती है या फिर नहीं निकलती है। तो ये पुराना वाला फिल्टर हमने यहाँ से निकाल लिए हैं और हमने जो नया वाला ऑनलाइन फिल्टर मंगाए थे उसको अपने हाथ में ले लिए हैं दोस्तों। और ये जो फिल्टर है इसमें हमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से ही हम इसको आसानी से फिट कर पाएंगे। ये जो पुराना वाला फिल्टर था ये ऐसे ही फिट हो जाता था और ऐसे ही निकल जाता था दोस्तों। ये कंपनी के तरफ से आया था वाला फिल्टर है और याले फिल्टर को लगाने के लिए हमको एक बोतल की गर्दन लगेगी। जैसे कि आप ये देख सकते हो, हमारे हाथ में जो ऑरेंज कलर की एक बोतल की गर्दन है वहां पे हमने इसको काट कर लगाने वाले हैं। इसके लिए हम याला क्लैंप को ढीला कर लेते हैं और ये जो बोतल की गर्दन है दोस्तों कुछ इस प्रकार हमने इसको काटे हैं और इसको बहुत ही अच्छी मजबूत तरीके से हम इसमें फिट कर देंगे हमारे जो फिल्टर में। और इसके बाद ये एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी जो गाड़ी में फिल्टर की जगह है वहां पर ये फिट हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप भी पाइप ना लगाते हुए किसी भी बोतल की गर्दन को ऐसे काट करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बाइक में ये फिल्टर को इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों। ये देख सकते हो और ये एकदम परफेक्ट साइज है बोतल के ऊपर की जो गर्दन है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी बाइक में फिल्टर को लगाने में मदद करती है। तो आप भी अपनी बाइक में इस टाइप का अगर फिल्टर लगा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप 30 रुपए की एक बोतल की गर्दन काट करके इस फिल्टर को अपनी बाइक में लगा लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से और परफेक्ट तरीके से अपनी बाइक में फिट हो जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार हम इसको यहाँ पर फिट कर दे रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर का जो कवर होता है उसको भी नहीं लगाने वाले हैं। अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो दोस्तों, लेकिन हम इसको नहीं लगाने वाले हैं। इसको लगाने के बाद उतना मजेदार साउंड नहीं आता है, इसलिए हम इसको निकाल करके हटा देंगे। और ये जो हमारे हाथ में इसके ऊपर का कवर है दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो गया है। और ये कवर और ये जो फिल्टर है पुराना वाला, इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से साइड में रख देंगे, अच्छे से रख देंगे, ताकि कभी हम ये वाला फिल्टर निकाल लें तो वाले फिल्टर को लगा करके हम फिर से इसका साउंड पुरानी गाड़ी में जैसा आ रहा था वैसा कर सके दोस्तों। ये देख सकते हो, ये पैनल हमने लगा दिए। हम अपनी जो स्प्लेंडर प्लस बाइक है इसको चालू करके आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हो, हमारी जो स्प्लेंडर प्लस बाइक है ये हमने चालू कर लिए हैं और इसका जो साउंड है वो एकदम खतरनाक निकल रहा है दोस्तों। तो आप भी अगर अपनी बाइक में रेड एसेसरी डेवलपमेंट का फिल्टर लगाना चाहते हो दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बाइक में फिल्टर लगा सकते हो। हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।